क्या आपको पता है कि एक शादी से दो तरह के बच्चे हो सकते हैं, एक जिनको वैध कहा जाता है और दूसरे जिनको अवैध बच्चे कहा जाता है, जिनको लेजिटिमेट चाइल्ड भी कहा जाता है और इलेजिटिमेट चाइल्ड भी कहा जाता है, और जिनको लोकल लैंग्वेज में जायज बच्चे और नाजायज बच्चे भी कहा जाता है। और क्या आपको पता है कि कौन से बच्चों का प्रॉपर्टी में अधिकार है, और क्या आपको पता है कि लेजिटिमेट चाइल्ड कौन से हैं और इलेजिटिमेट चाइल्ड कौन से हैं, और किनका संपत्ति में कितना अधिकार है, और आज की डेट में कौन सा नया कानून आया है, और आज की डेट में क्या हाल फिलहाल में कानून है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कौन से हैं लेजिटिमेट चाइल्ड और कौन से हैं इलेजिटिमेट चाइल्ड और उनका कितना संपत्ति में अधिकार है। सो फ्रेंड्स, ये जानने से पहले कि कौन से लेजिटिमेट चाइल्ड हैं या फिर कौन से इलेजिटिमेट चाइल्ड है और उनका संपत्ति में कितना अधिकार है, इससे पहले हमें जानना होगा कि टाइप्स ऑफ मैरिज कितनी है, कि मैरिज कितने तरह की होती है। मैरिज जो है वो तीन तरह की होती है, एक है वैलिड मैरिज और दूसरी है वॉइड मैरिज और तीसरी है वॉइडेबल मैरिज। अब हम एक एक करके इन तीनों मैरिज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैलिड मैरिज की। वैलिड मैरिज वो मैरिज है जो कि कानून की नजरों में बिल्कुल ही लीगल है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। जैसे कि उसमें प्रॉपर जो रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, वो फॉलो किए गए हैं और जो भी लीगल टर्म्स है वे उसमें प्रॉपर फॉलो किए गए हैं। मान लीजिए कोई भी शादी जो है वो बिना किसी फोर्स की है, अपनी मर्जी से की गई है और जो घर वालों की मर्जी से की गई है, उसमें सात फेरे प्रॉपर हैं, वो शादी जो है सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं है, मतलब अगर लीगली देखे तो वो बिल्कुल ही लीगल वैलिड मैरिज है, तो उसको कहा जाता है वैलिड मैरिज। अब हम बात कर लेते हैं वॉइड मैरिज की। जो दूसरे तरह की मैरिज है वो है वॉइड मैरिज, और वॉइड मैरिज वो है जो कि कानून की नजरों में लीगल नहीं है और उसमें मान लीजिए कोई भी जो लीगल टर्म्स है उनको फॉलो नहीं किया गया है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक स्पाउस जो है वो जीवित है और दूसरे स्पाउस ने पहले स्पाउस के जीवित होते हुए एक मैरिज कर ली है, तो वो मैरिज है वॉइड मैरिज। या फिर कोई मैरिज जो कि स्पिंडा रिलेशनशिप में आती है, भाई बहन के रिश्ते में आती है, अगर उसको परफॉर्म कर लिया गया है तो उसको भी वॉइड मैरिज माना जाता है। इसकी काफ़ी सारी टर्म्स हैं, काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जो कि अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डील की जाती है। तो जो भी मैरिज अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की जाती है उनको माना जाता है वॉइड मैरिज, और उनको कानून की नजरों में बिल्कुल भी लीगल नहीं माना जाता। और इस मैरिज को वॉइड कराने के लिए कोई भी केस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही वॉइड होती है और इसको बिल्कुल ही इलीगल इनवैलिड मैरिज माना जाता है, तो इसमें कोई भी कोर्ट की डिग्री की जरूरत नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे टाइप्स ऑफ मैरिज की, जो कि है वॉइडेबल मैरिज, जो कि अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइन की गई है। और ये मैरिज जो है ना तो ये वैलिड मैरिज है और ना ही ये वॉइड मैरिज है, तो इसको जो वैलिड मैरिज है वो भी माना जा सकता है और इसको वॉइड मैरिज भी कराया जा सकता है। ये सिर्फ उन पार्टीज पे डिपेंड करता है जिनकी शादी हुई है कि वो इसको वैलिड मैरिज जो है वो बनाना चाहते हैं या फिर इसको वॉइड मैरिज बनाना चाहते हैं। तो हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कौन कौन सी मैरिज हैं जो वॉइडेबल मैरिज कही जाती हैं। तो वॉइडेबल मैरिज में सबसे पहली मैरिज आती है जो मैरिज धक्के से की गई है, जो कि फोर्स से की गई है या फिर फ्रॉड से की गई है, तो वो एक पार्टी जो है उसको वॉइड भी करा सकती है और उसको वैलिड भी रख सकती है। या फिर कोई मैरिज ऐसी है जो कि नाबालिग बच्चों की मैरिज करवा दी गई है, तो वो नाबालिग बच्चे जो हैं वो मेजॉरिटी के बाद जो है अपनी शादी को वॉइड भी करा सकते हैं और वैलिड भी रख सकते हैं। या फिर कोई भी लड़की जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है, तो उस सिचुएशन में भी जो हस्बैंड है उस मैरिज को वॉइड करा सकता है या फिर उसको वैलिड मैरिज भी रख सकता है। या फिर किसी स्पाउस को अगर लाइलाज बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है और उस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता, तो उस सिचुएशन में भी जो दूसरा स्पाउस है वो इस मैरिज को या तो वैलिड रख सकता है या फिर इसको वॉइड भी डिक्लेयर करा सकता है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जो वॉइडेबल मैरिज है उसको जो एक पार्टी या तो वैलिड भी रख सकती है या फिर वो वॉइड भी करा सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ उन पार्टीज की कंसेंट पे, उन पार्टीज की जो विल है उस पर डिपेंड करता है कि वो उस मैरिज को कैसे रखना चाहते हैं। और इसके लिए अगर वो वॉइड कराना चाहते हैं उस मैरिज को,
तो उसके रिगार्डिंग कोर्ट की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, कोर्ट में केस डालना जरूरी होता है। तो फाइनली अब हम जान लेते हैं कि कौन से बच्चों को जो प्रॉपर्टी में संपत्ति में अधिकार मिलता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो वैलिड मैरिज से अगर बच्चे हुए हैं तो उनको संपत्ति में अधिकार है या फिर नहीं है। तो जो भी वैलिड मैरिज से बच्चे होते हैं उनको लेजिटिमेट चाइल्ड कहा जाता है, और उनका अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी और जो सेल्फ अकॉयर्ड प्रॉपर्टी है उनके मदर फादर की उसमें प्रॉपर अधिकार है और वो उनको एज पर सक्सेशन एक्ट मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं वॉइड मैरिज की, कि जो वॉइड मैरिज से बच्चे होते हैं उनको भी लेजिटिमेट चाइल्ड कहा जाता है और उनका भी अपने माता पिता की संपत्ति में, चाहे वो अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर वो सेल्फ अक्वायर प्रॉपर्टी है, उसमें पूरा अधिकार है और वो उनको एज पर सक्सेशन एक्ट मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फाइनली वॉइडेबल मैरिज की। अगर वॉइडेबल मैरिज से कोई भी बच्चा होता है तो उसको कहाँ पर लेजिटिमेट माना जाता है और कहाँ पर इलेजिटिमेट माना जाता है। तो अगर जो वॉइडेबल मैरिज है अगर उसको वॉइड नहीं कराया जाता और उस मैरिज से अगर बच्चा होता है तो उसको लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाता है। लेकिन अगर वो कोर्ट की डिग्री के थ्रू वॉइड करा दी गई है और वॉइड कराने के बाद अगर उस मैरिज से कोई भी बच्चा होता है तो उसको इलेजिटिमेट चाइल्ड माना जाता है। तो अब यहाँ कोर्ट की डिग्री के थ्रू उस मैरिज को वॉइड करा दिया गया है और उससे अब जो भी बच्चा होगा उसको इलेजिटिमेट माना जाता है, लेकिन जो भी उसके मदर फादर है उनकी संपत्ति में उसका अधिकार है, चाहे वो अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर सेल्फ अक्वायर प्रॉपर्टी है, वो एज पर सक्सेशन एक्ट उसको मिल जाएगी। अब ये तो आपने देखा कि कौन से बच्चे जो हैं लेजिटिमेट हैं और कौन से इलेजिटिमेट है, लेकिन जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से बच्चे हैं वो ना तो कभी कोपार्टनर बन सकते और ना ही कभी वो पार्टीशन सूट, जो बंटवारे का सूट है, वो भी कभी नहीं डाल सकते। और ये जो लीगल फैक्ट्स हैं ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट में क्लियर कर दिए गए हैं, और जिस जजमेंट में ये लो पॉइंट डिसाइड किए गए हैं उसका नाम है जुनेद वर्सी स्टेट ऑफ यूपी। 29 अगस्त 2023 को ये लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें सारे लो पॉइंट हैं वो डिसाइड कर दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि कौन से लेजिटिमेट चाइल्ड हैं या फिर कौन से इलेजिटिमेट चाइल्ड है और किन बच्चों का संपत्ति में अधिकार है और कहां पर वो संपत्ति में उनका अधिकार खत्म हो जाता है और कौन से वो केस नहीं डाल सकते या फिर वो कोपार्टनर बन सकते हैं या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। Thank you.